चाय पीने का हो तो बना लाई सरकार। इकबाल मिया, जब छोटा था यहीं पढ़ता था दिल्ली में, ये इमारतें बड़ी शाहाना लगती थीं। इनके पीछे मेरे स्कूल की किताबें बोलती थीं, हमारे मौलवी साहब की आवाज गूंजती थी जो हमें तारीख पढ़ाते थे। फिर हिंदुस्तान तकसीम हो गया, मौलवी साहब पाकिस्तान चले गए, मैं स्कूल से आगे बढ़ गया। आज ये इमारतें कुछ और ही लगती हैं। अब दिल्ली की यही इमारतें देखकर लगता है ये सिर्फ ईंट गारे से गूंद कर रखी हुई तारीखें हैं। इनके पीछे कोई इतिहास नहीं है, ना इस देश का ना इस देश के लोगों का। हाँ, इस देश के हुक्मरानों की कहानियां जरूर कहती हैं ये इमारतें। एक और इतिहास भी है, उस वक्त भी था, आज भी है, लोगों का इतिहास जो कभी किताबों में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि किताबों में तो सिर्फ कुछ तारीखें और कुछ हुक्मरानों के नाम दर्ज किए जाते हैं। मैंने इस इतिहास को
वाकया होते देखा है, लोगों पर गुजरते देखा है, पल पल हर्फ ब हर्फ लफ्ज पर लफ्ज बुनते देखा है। Yes, New Delhi Times News Desk. Call Kedar. Just a minute. I'll get it transferred to Vikas. Hello, hello, hello. Operator, Vikas ji ke liye call hai, zara transfer kar dena. आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर त्रिवेदी को कोई भी आदमी हटा सकता है? अरे मिनिस्टर मिनिस्टर तो होते ही हटाने के लिए, सब अपनी दिहाड़ी करते हैं, परमानेंट तो बेचारे सेक्रेटरीज हुआ करते हैं। हाँ विकास यार। हाँ बोलो केदार। जस्ट मिनट। हाँ क्या? गाजियाबाद सिविल हॉस्पिटल 35। हाँ 35 मारे गए और अनगिनत सीरियस है। न्यू डेवलपमेंट है, फ्रंट पेज के लायक। हाँ सबके सब शराब में मारे गए। शराब किसने सप्लाई की? नहीं मालूम। ऐसा करो केदार, जल्दी से सब पता करके तुम यहाँ आओ, तब तक के लिए मैं फ्रंट पेज को रोके रखता हूँ। हरी अब। अच्छा देखो केदार, जो न्यूज ला रहा है मेरा ख्याल है कि वो फ्रंट पेज पर ही छपनी चाहिए। जी अच्छा। इस स्टोरी को तुम फोर्थ पेज पर ट्रांसफर कर लेना। जी ठीक है, एडजस्ट कर लेना। एक साल में ये दूसरा या तीसरा हादसा है। इट्स अमेजिंग।
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बजा है? सुबह हो रही है भाई, देखो नहाने जा रहा हूँ, तौलिया वाली है क्या? तौलिया? सुबह हो गई, सिर्फ एक तो बजा है, इतनी देर क्यों करती? कोई खास बात थी? The usual, आते आते देर हो ही जाती है, क्या करें भाई। खाना खाया? हाँ थोड़ा सा खा लिया था। दूध रखा है, पी लेना। छोटू को फोन किया था? बात हुई? हुई, but the line was very bad. तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, पूछ रहा था इन छुट्टियों में पापा मिलने आएंगे या नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया अपने अखबार से ही फुर्सत नहीं, यहाँ रहते हुए मुझसे नहीं मिलते, तुम्हें क्या मिलने आएंगे। ओहो, लगता है माँ बेटा दोनों मुझसे खफा हैं, कुछ करना होगा। ये क्या कर रहे हो? अरे भाई माँ को मना रहा हूँ, बेटे को बाद में मना लूंगा। विकास प्लीज इधर आ जाओ ना। वही तो जा रहा हूँ ना, तुम हटो तो। What are you trying to do? ये क्या कर रहे हो? गुंडागर्दी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ किस खुशी में? थके नहीं हो क्या? अरे थका हूँ इसलिए तो। नहीं सीरियसली, any interesting headlines? अरे भाई headlines तो कल सुबह डिस्कस कर लेंगे, इंटरेस्टिंग मामला अभी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग? ओहो, दूध को भी इसी वक्त गिरना था। वो विकास, मैं अभी लाई। नहीं रहने दो, छोड़ा ही है। मैं अभी आई ना। अरे अभी आई। विकास, विकास, किटी को दूध देकर जल्दी से हमारा नाश्ता लगा दो। हाँ जी। अच्छा, मैंने गुलाब के फूल वहाँ टेबल पे रख दिए हैं। सीता, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता लगाओ। अरे सीता जल्दी जल्दी करो, मैडम को कोर्ट छोड़ना है, नहीं तो फांसी हो जाएगी। तोंद देखी है अपनी, चर्बी चढ़ रही है जनाब पर। अरे नाश्ता करने दो, ये ले जाओ, सुबह सुबह नहीं टोकते। कैंची भी ले जाओ भाई, नाश्ते के लिए मना नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्क्वाश खेलने के लिए याद दिला रही हूँ। कितने दिन हो गए क्लब गए? क्लब तो रोज जाता हूँ, ये दूसरी बात है कि स्क्वाश नहीं खेलता, लोग आ जाते हैं। ये फोटोग्राफ देखी है तुमने? हाँ सिद्दीकी की है, ब्रिलियंट फोटोग्राफर है ना, फैंटास्टिक। इसकी एक ही प्रॉब्लम, सब इसके फोटोग्राफ को ही देखते हैं, इसके पीछे क्या ट्रेजेडी है कोई नहीं देख पाता। मैंने सिर्फ फोटोग्राफ्स की तारीफ की, सुबह सुबह भाषण नहीं सुनना चाहती, जल्दी करो वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। जल्दी तो कर रहा हूँ। ओके। Good, we managed to get the liquor tragedy story. Except for Express, no one has it. लेकिन Express की फोटोज देखी आपने? रात को काफी देर से खबर मिली, पता नहीं कैसे अनवर ने कवर किया। It's amazing. What about the editorials today? मैं डिसिडेंट मूवमेंट के ऊपर लिख रहा हूँ। Good. अजय सिंह ने त्रिवेदी गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया। मैं लेकर ट्रेजेडी पे लिख लूं? नो, आई विल डू दैट। व्हाई डोंट यू कवर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कंचनजंगा बाय इंडियन एक्सपीडिशन? ओके, वी हैव डन इट फॉर द सेकंड टाइम, यू नो। एंड हु इज कवरिंग पीएम स्पेस कॉन्फ्रेंस? नायडू लौट आया है, वो चला जाएगा।
वेरी गुड। और कुछ? नो सर। मेरी तरफ से कुछ नहीं। वो केदार को जरा मेरे पास भेज देना। विकास, प्लीज स्टे बैक फॉर अ व्हाइल। मैं सोच रहा हूँ इस गाजियाबाद लिकर ट्रेजरी के मामले में कुछ और खोजबीन की जाए। मैं कम इन सर? यस कम इन। केदार, उस लिकर ट्रेजरी स्टोरी की और कोई लीड मिली? मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन पुलिस से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। यू कीप ऑन ट्राइंग। यस सर। अजय सिंह, 2 साल में कहां से कहां जा पहुंचा, इसके बारे में कुछ और पता लगाना चाहिए। यू एंड सेठ जी सीम टू थिंक ऑन द सिमिलर लाइंस। मैं अभी अभी उनसे फोन पर बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे। आज मुख्यमंत्री श्री डीएन त्रिवेदी ने हमारे विशेष संवाददाता को बताया, जब जनता ने हमें मुख्यमंत्री कार्यभार सौंपा था तो हमने आश्वासन दिया था कि हमारा एक मुख्य लक्ष्य होगा कि हर गांव में पीने का पानी और बिजली पहुंचाई। इस लक्ष्य में हमारी सरकार सफल हुई है। हमारे प्रदेश में 90% गांव में इन सुविधाओं का प्रबंध कर दिया गया है। इस सफलता की बधाई मैं जनता को देना चाहता हूं। इस बार लगता है सचमुच आसन डोल रहा है त्रिवेदी का। जनता के सहयोग के बिना रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। समस्या तो गंभीर है उसकी। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ अजय सिंह है। ये जो नई पौधा आ रही है ना राजनीति में, मुश्किल तो पैदा करेगी ही। बहुत उतावले हैं ये लोग। उतावले तो हैं, बट दे आर आल्सो बिजनेसमैन। लेन देन में नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। आपको तो मालूम है अजय सिंह ने इलेक्शन में त्रिवेदी को बहुत मदद की थी, अपने पैसे से भी, अपने कॉन्टैक्ट से भी। लेकिन जब त्रिवेदी चीफ मिनिस्टर बने तो उसने अजय सिंह के किसी भी आदमी को अपनी मिनिस्ट्री में नहीं लिया। सारा झगड़ा इसी बात का। हेलो मिस्टर डिमेलो, बहुत दिनों बाद आए। आए तो सही, बट वेयर हैव यू बीन? अजय सिंह की चिंता हो रही है क्या? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, पर त्रिवेदी को तो अजय सिंह की बहुत चिंता है। त्रिवेदी पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वो शोर नहीं करता है। अजय सिंह अब तक नया है, इसलिए वो बहुत शोर करता है। शोर तो करता है, बट यू कांट डिसमिस हिम सो इजीली। आप तो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत नजदीक से देखा है इन लोगों को। बट अजय सिंह इज अ डिफरेंट ब्रीड। ये वही ट्रेड यूनियन लीडर है जिसने 73 में शुगर मिल्स की स्ट्राइक तोड़वाई थी। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों डरते थे इसकी धमकियों से। मुझे तो लगता है चीफ मिनिस्टर बन के रहेगा। सत्ता सब लोग चाहते हैं, व्यापार और राजनीति दोनों ही सत्ता पाने के रास्ते हैं। लेकिन सत्ता का अधिकार प्राप्त करने के भी कुछ सिद्धांत हैं। अजय सिंह राजपूत है जी। आप कहे तो नेक्स्ट संडे लंच पे बुला लें। संडे तो मैं स्टार्ट फॉर्म पर रहूंगा, सैटरडे को लंच पर क्यों नहीं बुलाते? ओके, कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, मैं चला। नहीं 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 नहीं, ऐसा करो, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं 2-3 गेम खेल के आता हूँ। ओके, थैंक्स, बाय बाय, सी यू। हेलो जेके। हाय विकास, कैसे हो? जरा चर्बी कम कर रहा था। सेम हियर। पीटर, क्या लोगे? नहीं, नो थैंक यू, गेम के बाद। 1 लेमनेड विद लॉट्स ऑफ आइस। जरा पहले आते तो तुम्हारे साथ एक गेम हो जाता। तुम्हारी कलम का जोर तो देखा है और मानते भी हैं भाई, एक दिन रैकेट का जोर आजमाएं। हाँ भाई, व्हेनेवर यू वांट। लेकिन एक बात है, मैं जहांगीर खान नहीं हूं। तो मैं कौन सा शाहजहां हूं?
लेट मी गिव यू स्कूप। पिताजी चाहते हैं अखबार के धंधे में मैं उनका हाथ बटाऊं। हो सकता है बहुत जल्दी मैं न्यू दिल्ली टाइम्स का वाइस चेयरमैन बनकर। दैट्स वंडरफुल। आपका तजुर्बा और स्किल न्यू दिल्ली टाइम्स और हम जैसे वर्कर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बाय द वे, तुम्हें वो इनविटेशन मिला? इनविटेशन मिल जाएगा। पिताजी ने अजय सिंह को लंच पे बुलाया। आई एम श्योर तुम उषा से जरूर मिलना चाहोगे। भाई तुम्हारे ही इलाके का है। हाँ है तो सही, लेकिन मुलाकात नहीं हुई अभी तक। तो हो जाएगी। विकास, तुम्हारी इस पावर स्ट्रगल के बारे में क्या राय है? यू नो, अजय सिंह की आंख बहुत आगे तक देखती है और अभी इस वक्त उसका अंदाजा लगाना बहुत रिस्की है। We'll have to wait and watch. क्या लीजिएगा? बियर और जिन? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। श्योर। कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दीजिए। जी ले लीजिए, इट्स नॉट एडल्टरेटेड। मिस्टर शाह आपके लिए। आई लव जीन एंड लाइम प्लीज। बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है। जी हाँ, दिल्ली में होते हुए भी लगता है वी आर फार फार अवे फ्रॉम दिल्ली। माफ करना अजय सिंह जी। नमस्कार। बैठिए बैठिए। ट्रंक कॉल था कानपुर की फैक्ट्री से। हर रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है इन लोगों के साथ। कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइए। अरे नहीं, मामूली सा काम है, संभल जाएगा। आप लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस देश के नेता हैं। आप तो ऐसा मत कहिए, असली नेता तो आप हैं। देश का आर्थिक उत्थान भी कर रहे हैं, नैतिक भी, न्यू दिल्ली टाइम्स के जरिए। चेष्टा तो कर रहे हैं। पंडित जी हमेशा कहा करते थे हमसे, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सुना है आप कंप्यूटर का नया प्लांट लगा रहे हैं हमारी स्टेट में। कोशिश तो कर रहे हैं, देश की नई नई जरूरतों के साथ नई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। बस लॉज एंड प्रोसीजर्स कुछ बदल जाए तो आसानी हो जाएगी। वेल, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो प्रोसीजर भी बदल जाएंगे। नहीं साहब, जब तक त्रिवेदी जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं कुछ नहीं होगा। ना सिस्टम बदलेगा ना प्रोसीजर बदलेंगे। आई होप दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ कोर्स, वी डोंट रिपोर्ट प्री लंच कॉन्वर्सेशन, ओनली पोस्ट लंच। भाई विकास जी बहुत खामोश बैठे हैं। आपकी खामोशी से हमें डर लगता है। बड़ी मुश्किल है साहब, हमारे बोलने से भी लोगों को डर लगता है और खामोशी से भी। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? जी हाँ पूछिए, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल मत पूछिएगा। मुश्किल तो है। आपके बाएं हाथ के सिर्फ एक ही उंगली में अंगूठी नहीं है, इसकी वजह? बड़ी तेज नजर है आपकी। दरअसल इसके लिए हमें एक अच्छा सा माणिक चाहिए, वो मिल नहीं रहा। आप पत्थरों में विश्वास रखते हैं? जब जनता फेंकती है तो। विकास। हाँ? आप गाजीपुर से है ना? आई मीन योर होम टाउन। भले राम नाम के किसी आदमी को जानते हैं? एमएलए था वहाँ का, शेड्यूल कास्ट। नहीं, क्यों? पीटीआई की न्यूज है। कल रात किसी ने उसे गोली मार दी उसी के घर के बाहर। नहीं, नहीं जानता। पॉलिटिकल चक्कर लगता है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेदी का खास आदमी था वो। और ये इकबाल जो पकड़ा गया? बिजनेसमैन है वहाँ का। इसे सब एडिटर को दे देना। ओके। वो छोटू का क्या करना है? छुट्टियां आ रही हैं, घर ले आना। मैं तो सोचती हूँ खुद ही जाकर मिलाऊंगी। शिमला है ही कितनी दूर, 7 दिन की तो छुट्टियां हैं। सब बच्चे थोड़े ही घर आते हैं। एज इट इज मैं तुम्हारे साथ गाजीपुर नहीं आ रही हूँ माँ के श्राद्ध पर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गाजीपुर लगता है काफी गर्म होगा। मतलब? यही भले राम के कत्ल की वजह से। वह बहुत इम्पोर्टेंट एमएलए था।
इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, उसी के ग्रुप की वजह से त्रिवेदी की मिनिस्ट्री टिकी हुई थी। अब पता नहीं क्या होगा। देखो केदार, तुम्हें ये तो पता लग ही चुका है ना कि मुगल कौन है और किस पॉलिटिशियन का हाथ उसके पीछे है। बस मेरा पीछा छोड़ो और फूटो यहाँ से। कोई खबर मिले तो इस नंबर पर फोन कर दे। चुप, पागल है क्या? खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। मुगल के आदमी चारों ओर कुत्तों की तरह सूंघ रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो विकास जी, मैं केदार बोल रहा हूँ, आपसे अभी मिलना है। केदार? यस सर, बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम था जो अभी फोन किया? कल मिल सकते थे। अभी मिलना बहुत जरूरी है, मैं गाजियाबाद से लौट रहा हूँ। उस जहरीली शराब के केस के बारे में मुझे कुछ और पता चला है। थोड़ी देर के लिए अगर आप मुझे मिल सके सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। कहाँ हो तुम? आईटीयूब्रिज के पास एक केमिस्ट की दुकान से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ताज होटल के कॉफी शॉप में मिलो, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। किसका फोन था? केदार का। मैं अभी जाकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? ताज तक। घबराने की कोई बात नहीं। तेज तंदुरुस्त और मजबूत दांत काटते चबाते कुतरते सारी जिंदगी काम कर सकते हैं, आपकी नासमझी की सजा भी झेल सकते हैं। 2000 साल पहले कुदरत के अनमोल खजाने में से आयुर्वेद ने कई तरह की जड़ी बूटियां खोज निकाली जो दांतों को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में सहायक होती हैं। ऐसी ही 18 जड़ी बूटियां जो दांतों और मसूड़ों को मजबूत और तंदुरुस्त रखती हैं, उन्हीं से बनाया जाता है वीको वज्रदंती। वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती टूथ पाउडर टूथपेस्ट। हाँ
आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी चेहरा मेरा दे आवाज दुबास, दुबास, दुबास। जब भी मैं बाहर निकलूं शेव बना के हाय हाय वाह कहीं हसीना रास्ते में देखे मुस्कुरा के माँ बाप तो राजी है लड़का विलायत से 2 महीने में लौटेगा फैसला वही करेगा बस एक ही अड़चन है उन्हें बहू चाहिए गोरी कितनी फेयर एंड लवली आय हाय दूल्हा तो बस देखता ही रह गया क्या गोरी चिट्टी हो गई है तू दीदी ये तो करामात है फेयर एंड लवली की केवल 2 महीने के इस्तेमाल से कमाल फेयर एंड लवली आपको इस कदर गोरा बनाए कि सभी देखते रह जाए नहीं नहीं पागल नहीं थी मेरी बेटी कुछ भी तो नहीं हुआ था उसे अभी 2 साल ही तो हुए थे उसकी शादी को लड़का सरकारी दफ्तर में काम करता था दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था जो बन पड़ा चुका दिया वो लोग भी कुछ नहीं बोले साल भर तो मेरी बेटी की चिट्ठियां आती रही फिर अचानक ये चिट्ठियां आनी बंद हो गई 2 महीने पहले मैं दिल्ली आया उसे देखने बस सब कुछ लूट चुका था बर्बाद हो चुका था लड़के ने दूसरी शादी कर ली पड़ोसियों ने बताया बहुत मारते थे उसे दहेज के लिए मेरे लाख पूछने पर भी मुझे मेरी बेटी का पता नहीं चला बस यही कहते थे पागल थी तुम्हारी बेटी तुमने बताया क्यों नहीं कब तक बांध कर रखते उसे बहुत ढूंढा बहुत पता किया पुलिस में गया रिपोर्ट लिखवाई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ पता नहीं मेरी आशा जिंदा भी है कि नहीं गाजीपुर में एक डॉक्टर है उन्होंने आपके पास भेजा है आप एक काम करिए मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं होगा जी नहीं शादी का कार्ड है जी हाँ वो और जिस पंडित ने शादी करवाई थी उसे एक बयान लेकर आइए और जिस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी तारीख और तफसील लेकर आइए जी बहुत अच्छा समझ गए ना जी हाँ बस अब तो आप ही हमारे सब कुछ हैं घबराइए मत मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छा नमस्कार केदार का कुछ पता चला पुलिस का कहना है कि हिट एंड रन केस है ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि केदार की मौत ऑन द स्पॉट हो गई What? सुना है कि पुलिस ट्रक ड्राइवर को तलाश कर रही है खुली सड़क पर किए हुए कत्ल को एक्सीडेंट मानकर तहकीकात कर रही है पुलिस इनक्रेडिबल आज दहेज का एक अजीब केस आया
लड़की ने जला लिया अपने आप को या ससुराल वालों ने जला दिया उसे? सब लड़कियां जलकर खत्म नहीं हो जाया करती, और भी बहुत कुछ होता है उनके साथ। ससुराल वालों ने लड़की को पागल बनाकर घर से गायब कर दिया। साल हो गया बाप को ढूंढते ढूंढते, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। डिटेल्स भिजवा देना, छपा दूं। पेपर में छपवाने से ही प्रॉब्लम्स खत्म तो नहीं हो जाते? तो क्या कोर्ट में जाने से खत्म हो जाते हैं? खैर छोड़ो, तुम्हारी बुकिंग हो गई गाजीपुर के लिए? हाँ, कल रात को जा रहा हूँ। गाजीपुर जाते हुए इस बात का एहसास हुआ कि दिल्ली से गाजीपुर की दूरी उतनी है जितनी हुक्मरानों की आवाम से। मैं कभी कभार गाजीपुर जाता रहता हूँ, वहाँ हमारा पुश्तैनी घर है, पिताजी अब भी वहीं रहते हैं। लेकिन इस बार गाजीपुर का सफर करते समय यूं लग रहा था कि घर नहीं जा रहा, इतिहास की गली से गुजर रहा हूँ, वक्त के बगुलों को उठते देख रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? बनारस से साहब, टैक्सी है। चलो चलो गाड़ी साइड में लगाओ। गाड़ी क्यों रोक रहे हो? गाड़ी आगे नहीं जा सकती, शहर में कर्फ्यू लगा है। मैं प्रेस का आदमी हूँ, ये मेरा कार्ड। कर्फ्यू में कोई नहीं जा सकता, अगर जाना है तो कर्फ्यू पास दिखाइए। अरे भैया, मैं पंडित मुकुल पांडे का बेटा हूँ, सब जानते हैं उन्हें, आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। कर्फ्यू में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, और कर्फ्यू सुबह 8 बजे खुलेगा। आपको ठहरना है तो गाड़ी इधर लगाइए, वरना वापस जाइए। मुझे ठहरना नहीं है, मैं तो विकास आ गया बेटे। जीते रहो जीते रहो। ये यहाँ के एसपी हैं मिस्टर नेगी। इट्स अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू। आपके बारे में बहुत सुना है। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये कर्फ्यू किस बात का है? आए दिन फसाद जो होते रहते हैं, दो दिन कर्फ्यू लग जाता है, दो दिन हट जाता है। ये भलेराम के कत्ल की वजह से? फिलहाल तो यही वजह है। ड्राइवर साहब का सामान गाड़ी में रखो। देखो ये इकबाल कौन है? यहीं का बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस करता? बहुत से धंधे हैं उसके। उसे पकड़ लिया? पुरानी दुश्मनी थी दोनों की, और उस रात मिले भी थे। तो इतना सबूत काफी था? That's a C person hearing है कोर्ट में। आइए। आओ बेटा आइए। निशा भाभी कैसी हैं? ठीक हैं। कानून और जुर्म की किताबों में उलझी हुई है, बेचारी यहाँ आना चाहती थी लेकिन क्या कर रहे हैं, कोर्ट में केस। छोटू की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो निशा उसे दिवाली की छुट्टियों में यहाँ लेकर आएगी। तुम अपनी सुनाओ, टीरू कहाँ? उन्हीं के पास है, वो आ नहीं सके। अभी तक उनका नाम नहीं लेती? दुष्यंत आ नहीं सके बस। क्या हो रहा? कुछ नहीं, बस बातचीत हो रही है। कैसी तबीयत? ठीक है। ये इकबाल को तो जानते होंगे आप? इकबाल? सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या इकबाल, क्या अजय सिंह। अजय सिंह? गाजीपुर को तो जागीर बना रखा है अजय सिंह ने। जितने चोर चक्के घूमते हैं सब वजीफा खाते हैं उससे। ये आए दिन जो दंगे फसाद हो रहा है कौन करा रहा है? अजय सिंह। और त्रिवेदी कुछ नहीं करा रहा? करा क्यों नहीं रहा, चीफ मिनिस्टर है इसलिए। ओ फिर गई लाइट। सरला जल्दी से लालटेन जला के ला। लाती हूँ पिताजी। सुबह से 25 मरतबे लाइट जा चुकी। ला ला जल्दी ला।
पता नहीं कैसे कैसे लोगों के हाथों में आ गया ये देश। यकीन नहीं आता कि ये उसी नस्ल के लोग हैं जो हमारे साथ आजादी के लिए लड़े थे, और उस पे तुर्रा ये कि यही लोग मुझे ताम्र पत्र से सम्मानित करना चाहते हैं। ये खबर कैसे मिली? अरे सरकारी खत आया भाई। ये लोग होते कौन है मुझे सम्मान देने वाले? इनकी अपनी औकात क्या है? क्या ये सही है कि तुम अदालत में बयान देना चाहते हो? जी हाँ। इजाजत है? मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि मुझ पर जो भले राम के खून का इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। ये सही है कि उस रात जब भले राम सर्किट हाउस में अजय सिंह से मिलने के लिए गए थे मैं वहां मौजूद था। अजय सिंह और भले राम अलग कमरे में मिले, उन दोनों में क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम। अजय सिंह बहुत दिनों से इस कोशिश में थे कि भले राम उनके गुट में शामिल हो जाएं। खामोश, खामोश। थोड़ी देर बाद अजय सिंह उनको अपनी जीप में घर ले गए। थोड़ी दूर तक मैं अपनी जीप में उनके पीछे गया। मिसिर बाजार के चौराहे पर वो उनके घर की तरफ मुड़ गए और मैं अपने घर चला गया। बहुत रात गए, अजय सिंह मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि अब भले राम से डरने की कोई बात नहीं है। खामोश, खामोश, खामोश रहिए। उसी सुबह मुझे मालूम हुआ कि भले राम का खून हो गया है। खामोश रहिए, खामोश। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि भले राम का खून अजय सिंह ने किया है, मैंने नहीं। कोर्ट इज एडजर्न्ड। पानी ये क्या हो गया? अरे चलिए निकल लेते। इकबाल के साथ इंटरव्यू? विकास जी ये नामुमकिन है, माय जॉब विल बी एट स्टेक। हेलो, यस स्पीकिंग। क्या? जरा संभालो, मैं अभी आता हूं। डीएम को लगाओ। क्या हुआ? शहर के बहुत सारे हिस्सों में दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। खबर मिली है कि झगड़े की वजह कॉम्युनल है। सारा हुजूम कोतवाली पहुंच गया है। आप ऐसे कीजिए। हेलो डीएम साहब, सिचुएशन सीरियस हो गई है, कोतवाली का घेराव कर लिया है। जी हाँ, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। कैन यू कम देयर? ओके थैंक्स। विकास जी मुझे जाना पड़ेगा, मेरी जीप आपको छोड़ देगी। की बस्ती और वो है इकबाल का मकान ऊपर वाला। अरे रुको रुको, ए क्या कर रहे हो? देखता नहीं हो? थैंक यू यार, नहीं तो ये लोग मेरे कैमरे का भुत्ता बना देते। कहाँ ठहरे? सर्किट हाउस। पहले सर्किट हाउस ले जाओ। We'll be right back.
अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ गाजीपुर में कैसे आ गए? अफीम खाई है कभी? अफीम? हाँ मियाँ अफीम, तुम तो जानते ही हो अफीम की खेती होती है गाजीपुर में। स्मगलिंग का बहुत बड़ा सेंटर है। एक फोटो फीचर कर रहा हूँ, यहाँ आया तो पता चला कि दंगे हो रहे हैं। मजा आ गया, बस कैमरा लेके कूद पड़ा। तुम्हें राइट में मजा आता है? अम्मा मियाँ तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें एक अच्छी स्टोरी मिल गई, मुझे कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स, बस और क्या। यू नो अनवर, कभी कभी सोचकर डर सा लगने लगता है कि हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स अपनी स्टोरी कवरेज में, फोटो कवरेज में इतने खो जाते हैं कि जो रियल ट्रेजेडी है, जिसके लिए हम कमीशन किए गए हैं, जिसके लिए हम आए हैं, उसे बाईपास कर जाते हैं, भूल जाते हैं, महसूस तक नहीं करते। महसूस करते थे जब कभी कभी होता था, बहुत ज्यादा महसूस करते थे, लेकिन अब जब रोजमर्रा का तमाशा बन गया कुछ महसूस नहीं करते। जी साहब, चाय मिल सकती है? मिलेगी, दो चाय ले आओ। यस साहब। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी मां का श्राद्ध था। मतलब? यू नो, गाजीपुर इज माय होम, मेरा घर है गाजीपुर। ओ आई सी। लो फिर से लग गया कर्फ्यू। तुम्हारा क्या प्रोग्राम? बस मैं कल दिल्ली वापस, लेकिन मैं अभी कुछ फोटो खींचने जा रहा हूँ। अभी जो पुलिस से डंडे खाकर आए हो उससे पेट नहीं भरा? अरे मियाँ, सब धंधे के रंग है, सब चलता है। और कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप लोग फौरन अपने घरों में चले जाइए। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि शहर में धारा 144 और कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप लोग फौरन अपने घरों में चले जाइए। नहीं जानते अनवर साहब, ये हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, ये अजय सिंह और त्रिवेदी के झगड़े हैं जो पिछले 3-4 महीने से अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। उस पे इकबाल का अदालत में अजय सिंह के खिलाफ बयान, अजय सिंह को मौका मिल गया, बस हो गया फसाद शुरू। ओ विकास जी, पिताजी। भाई शायद तुम्हारी दिल्ली की कॉल मिल गई। आया
हेलो, मैं बलदेव शर्मा बोल रहा हूँ, गाजीपुर समाचार का एडिटर। ओ, आप क्या विकास पांडे जी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं विकास पांडे बोल रहा हूँ। नमस्कार, सुबह से फोन कर रहा था पर आप घर पे नहीं थे, शाम को कर्फ्यू लग गया इसलिए हाजिर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं शर्मा जी, कर्फ्यू के बाद मैं खुद ही आकर मिलूंगा। आज तो आप पूरा दिन व्यस्त रहे होंगे, गाजीपुर में क्या क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, आप जैसा एडिटर ही इनका भांडा फोड़ सकता है। अरे वो क्यों? हमारी तो जुबान जरा कम ही खुलती है। क्यों? जो जानते हैं वो लिखते क्यों नहीं? अजी विकास साहब, हमारा चीफ एडिटर तो यहाँ का थानेदार है, जब चाहे प्रेस में ताला लगवा दे। शिकायत लेकर किसके पास जाए? डीएम के पास। अजी वो तो अपना एक एडिटोरियल थमा देंगे हाथ में, नहीं तो अगले हफ्ते का अखबार नहीं निकलेगा, बिजली नहीं मिलेगी और 10 झंझट। अब देखिए, आज की एक हेडलाइन दे रहा हूँ, गाजीपुर जल रहा है। लेकिन छापने से पहले सोच रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड वालों को टेलीफोन करके पूछ लूँ। सचमुच विकास साहब, आप बड़ा काम कर रहे हैं, पांडे जी का आंदोलन आपने ही जारी रखा है। कुछ नहीं बदला साहब, कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा ही। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का फार्मूला नहीं था, हुकूमत का फार्मूला है, एक सिस्टम का फार्मूला, और वो आज तक उसी तरह इस्तेमाल हो रहा। मैं जब तुम्हारी खींची हुई तस्वीरें अखबारों में देखता हूँ ना, तो मुझे कोई नई चीज नहीं लगती। वही लाठी चार, वही फटे हुए सर, वही डरे सहमे हुए चेहरे, यहाँ तक के पुलिस की वर्दियां तक नहीं बदली। अब तुम ही बताओ, कहीं बदला है कुछ? बदला है अंकल। क्या? बहुत कुछ बदला है। पहले बाहर के लोग हुआ करते थे, अब अपने घर के लोग। अच्छा शर्मा जी, नमस्ते। अरे क्या चल बैठा हुआ? अरे उल्लू के औलाद है, क्या चल बैठा हुआ? रुक, अरे गोली मार दो मेरे तो। हेलो, अरे हम कहते रुक। हेलो दिल्ली, हेलो न्यू दिल्ली टाइम्स, हाँ मैं विकास पांडे बोल रहा हूँ, विकास पांडे गाजीपुर से, जरा न्यूज डेस्क देना। थैंक यू। हेलो हेलो न्यूज डेस्क, हाँ मैं विकास पांडे बोल रहा हूँ गाजीपुर से, हाँ टेक डाउन एन इम्पोर्टेंट न्यूज, यहाँ दंगे फसाद शुरू हो गए हैं, हाँ यहाँ गाजीपुर में दंगे फसाद शुरू हो गए हैं, 45 के करीब मारे गए हैं, कई ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, हाँ कई ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, और ये फसाद शुरू हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, यह फसाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने शुरू हो गया था, जहां भलेराम के मर्डर ट्रायल में इकबाल कुरैशी ने अपनी गवाही में भलेराम की मौत का जिम्मेदार पावरफुल पॉलिटिशियन अजय सिंह को भलेराम की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। ये क्या हेडलाइन है, आपको ठीक लगती है? ये तो सरासर सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, न्यू दिल्ली टाइम्स की इमेज के साथ तो ठीक नहीं लगता। और फिर अजय सिंह जैसे आदमी के बारे में लिखते हुए कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। ये काम एडिटर का है, उसी को करने दो। हेलो, एक सेकेंड, मैं भी देता हूं। अजय सिंह आपसे बात करना चाहता है।
हेलो, नमस्कार। जी हाँ, जरूर। आज और कल तो व्यस्त हूं, दो दिन के बाद कोई समय रख लें। ठीक है, शुक्रवार ठीक है। अच्छा, नमस्कार। गाजीपुर के दंगों में 45 आदमी मारे गए। इसे अखबार की सुर्खियों में लिखना कितना आसान लगता है, लेकिन उसे देखना कितना मुश्किल है, नहीं जानता। दंगों के उस धुएं आग से गुजरने के बाद लगता है वो अभी तक मेरे जिस्म से लिपटा हुआ है। इस धुएं ने बड़ी आसानी से भलेराम के कत्ल को छिपा दिया था। मैं इसी कत्ल के सिलसिले में वापस सर्किट हाउस गया। हैरत है कि जिस रात भलेराम का कत्ल हुआ, उसकी अगली सुबह से पुराना चौकीदार गायब है। इकबाल के बयान के मुताबिक अजय सिंह उस रात सर्किट हाउस आया था, लेकिन सर्किट हाउस के रजिस्टर से उस दिन का पन्ना फटा हुआ है। पुलिस ने इस एविडेंस को कहीं जाहिर नहीं किया। भलेराम की पत्नी ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। सिर्फ महकू मियां का पता चला उनसे, जो भलेराम पुराने साथी थे। पूरा दुकान चला गया, साला सैकड़ों आदमी लोग रहा छुरा लाठी के साथ। अबे ए मियां, ईंटन के उठाए के रखना, उठाए के रख, नीचे काहे दर्द हुआ है। ए करीम, जमा काहे करत हो, उठाए के फेंक दे वहां। ए भाई लोग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, तुम लोग भी। मैं तो मियां, ये हाथ को क्या हुआ, क्या ये भी दंगे में? अरे नहीं मियां, बच गई ली नहीं तो उरात भलेराम के साथ हमरो जान चल गई हो। क्यों, क्या हुआ? अरे वो चौकीदार रहे ना सर्किट हाउस पे, ओकर लरिकवा बदरी सरकारी ड्राइवर हो गए बा, अंधा के माफिक जीप के दौड़ाते रहे। मिसिर बाजार के चौराहे पे थम्ब से दे मर ले, बच गए ली हाथे के बल गिल्ली फुटपाथ पे। पर मियां, जौन कुछ पूछे के होखे तौन साफ साफ पूछे, हमका अंडा पे काहे बिठावत हुआ? हा? ये इकबाल क्या चीज? मुगल है मियां, स्मगलरों में मुगल कहलात। उहे अजय सिंह के ताजपोशी करवाए, यही से एमपी भाई। उनकर मर्जी के बिना कौनो कुर्सी पे नहीं बैठ सकेला यहाँ। करते क्या? कहली ना, स्मगलिंग, अफीम, चरस, गांजा, भांग से लेकर सोना चांदी तलक का माल जाला। अरे दिल्ली तलक उनका लाठी का जोर बा। इकबाल से क्या पुरानी दुश्मनी थी भलेराम की? इकबाल से क्या लेन देन है भलेराम का? हाँ, अजय सिंह जरूर बेसी खींचतान करते थे। तेर बेदी जी के साथ उठल बैठल रहल हा भलेराम का, बस यही बात अजय सिंह के खलत रहल। लेकिन एक ही बात समझ में नहीं आवत, अजय सिंह और इकबाल तो एक ही खलिहान के दाने होंगे, तो अजय सिंह का नाम कैसे ले लिया इकबाल? महकू का सवाल सही है, अगर वो दोनों एक हैं तो फिर इकबाल ने अजय सिंह का नाम क्यों लिया? और अगर नाम लिया तो क्या वो अलग हो गए? हेलो, उनमें फूट पड़ गई है। एक मिनट विकास, ऑफिस से फोन। हेलो विकास यार। हाँ, कब? ओ आई सी, क्या? हाँ मुझे शक था, कल सुबह आप सर। क्या हुआ? इकबाल ने अपना बयान वापस ले लिया है। उसका कहना है कि पुलिस के दबाव से उसने अजय सिंह का नाम लिया। मतलब पुलिस ने खास तौर से अजय सिंह का नाम लेने के लिए कहा था? हाँ, अब तो यही कहना है उसका। छोटू की चिट्ठी आई है, पढ़ी तुमने?
चिट्ठी भी पढ़ लेंगे। तुम बैठो। असीता नहीं आई, बहुत काम है। पढ़ा तुमने? क्रिकेट का बहुत शौक है उन्हें। मैं कॉफी बना लाऊ। हाँ, लगता है किताबें के बजाय बैट बॉल पर ज्यादा ध्यान है। शुक्र है, तुम्हारा स्वेटर बहुत पसंद आया उसे। उस केस का क्या हुआ दहेज वाले? वो लड़की मिल गई। मिल गई कहाँ? पागल खाने से। पागल खाने? हाँ, ससुराल वालों ने पुलिस और डॉक्टर से मिलकर उसे पागलखाने भेजवा दिया था। तो अब क्या करूँ? अब हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करूंगी। कम से कम उस बूढ़े की बेटी जिंदा तो है। पुदार जी, ये कुछ पेपर्स रह गए हैं, आप यहाँ देखकर सही करेंगे या घर ले जाएंगे? यही जुगल के वाइस चेयरमैनशिप के। बाकी बोर्ड ने देख लिया है? जी, इट्स बीन क्लियर्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। हेलो विकास। हेलो डिमन। हाउ इज निशा? वेरी वेल। गाजीपुर से कब आए? दो रोज में। पिताजी कैसे हैं? ठीक है, आपने मुझे याद किया। ये भलेराम का केस क्या है? भलेराम कत्ल केस के पीछे राजनीति का हाथ। और कोर्ट में इकबाल ने जो बयान दिया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इकबाल अजय सिंह का अपना आदमी, और ये पॉसिबिलिटी है। यह भी हो सकता है कि इकबाल ने अजय सिंह का नाम इसलिए लिया है ताकि अजय सिंह उसे बचा सके, उसकी मदद कर सके। अजय सिंह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत एम्बिशियस आदमी लगता है। तुम समझते हो कि कोई नुकसान पहुंचा सकता है? वो कैसे? तुम्हारी गाजीपुर की स्टोरी के बाद मुझसे मिलने आया था, काफी नाराज है। ये कि बहुत महत्व दे दिया इस खबर को और जिस तरह से फ्रंट पेज पर छापी है। खैर, उसका अपना ख्याल है। 40 साल से अखबार चला रहा हूं और जब ये कल के नेता इस तरह से धमकियों से काम लेते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दूं उन्हें। मैंने कह दिया कि एडिटर के पास जाओ, प्रेस काउंसिल में जाओ अगर शिकायत करनी है तो। कैसी धमकी दी उसने? वो जानता है कि मेरे और भी कई बिजनेस हैं उसकी स्टेट में, और अगर कल वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेरा वो डर नहीं है। अजय सिंह के साथ तुम्हारा कोई निजी झगड़ा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह ख्याल कैसे आया आपको? विकास, मुझे मालूम है कि तुम अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस अखबार में नहीं लाओगे, लेकिन सावधान रहना मेरा फर्ज है। बाकी सब व्यापार है, व्यापार की तरह चलता रहता है। इस अखबार को मैं अपना धर्म मानकर चलाता हूं। तुम अपना ख्याल रखना, अजय सिंह जैसे लोग, इनके कोई सिद्धांत नहीं होते। Gallant 2 Twin Blade Shaving System. Its two parallel blades stretch and cut each hair closer to the skin than a conventional razor does to give you the one computer-perfected shave that's closer than two. Gallant 2. For the one computer-perfected shave that's closer than two. Washington
पाउडर निर्मा दूध की सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए निर्मा निभाना सफा वॉशिंग पाउडर निर्मा थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा घर भर के कपड़ों को पल में निखारा हीमा रेखा ये है नानी माँ। खाना पकाने में नानी माँ ने हमेशा डालडा वनस्पति पर ही भरोसा किया जैसा कि अब उनकी बेटी करती है और उनकी नातिन भी यही करेगी। डालडा वनस्पति इतना शुद्ध 40 वर्षों से ममता की कसौटी पर खड़ा। First name in photography, there's a videotape for the moments that matter. Kodak videotape. Designed to give you brilliantly clear images in superb color. So when it matters enough, tape it and keep it with Kodak. हाँ मियाँ मैं खुद मिलाया था भाटिया से गुरचरण के साथ उसी ने मिलाया था। लेकिन तुम क्यों पढ़ रहे हो झंझट में? यार मैं देख मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि केदार की मौत एक्सीडेंट हुई। उसे उन लोगों ने ही मारा सच कह रहा हूँ और ये पुलिस जानकर ये मामले को दबाने की कोशिश कर रही। तुमने उसे बताया जर्नलिस्ट हूँ? लो उसकी एक ही शर्त कि उसका नाम अखबार में नहीं आना चाहिए समझे? अब आए तो ठीक नहीं आए तो ध्यान से स्ट्रिप्टीज देखो और बस। आ गया। नमस्ते जी। तशरीफ रखिए। आप हैं मिस्टर भाटिया मिस्टर विकास पांडे। प्लीज टू मीट। अच्छा आप लोग आपस में बातचीत कीजिए मैं जरा उन्हें कपड़े पहना के आता हूं। आप क्या लेंगे मिस्टर भाटिया? विस्की। अभी भिजवा देता हूं। जो शराब हमारी दुकान विच बिकती है वो हमारे घर तो बनती नहीं हम किसी और से लेते हैं ते और ठंडा तो नहीं आएगा। ठीक है देखो जी हम किसी और से लेते हैं ते वो किसी और से लेता है बड़े से छोटा छोटे से छोटा होते होते शराब पी के मुंह में हमारी दुकान से जाती है। अब जी आप ही सोच लो सारे कारोबार दे पीछे कितना बड़ा सप्लायर होगा। तो आदमी एक है जो आपको सप्लाई करता है वो लोकल आदमी। एक बात बताऊं ये शराब यहाँ नहीं बनती गाजियाबाद में ये बनती कहीं और है।
तो जहाँ बनती है वहीं से क्यों नहीं खरीदते आप? ये बीच के आदमी से क्यों खरीदते हैं? देखो जी एक बात बताओ, हर फंदे के कुछ कानून होते हैं। कानून जी? असूल होते हैं, रूल्स। जहाँ ये शराब बनती है वहाँ की पुलिस को वो खिलाता है, यहाँ लोकल पुलिस को हम देख लेते हैं। आप तो जी बीच के सारे बंदों को भूल जाओ, सारे कारोबार के पीछे है एक बड़ा स्मगलर जिसका नाम है मुगल। मुगल? हाँ जी मुगल। कभी वेख्या तो नहीं उसे, पर जी सुनिया है सारी गवर्नमेंट उसकी जेब में है। कहना चाहते हैं तुसी दसो कि सारे भारत वर्ष में कोई धंधा ऐसा है जिसमें बेईमानी नहीं होती है? फिर हमको बेईमानी का हक क्यों नहीं दिया जाता? हमारा हक क्यों छीना जाता है? कोई इंसाफ है? तुसी दसो। एक बात तो साफ है, महकू मियां और भाटिया का मुगल एक ही है, यानी इकबाल। और इकबाल का ताल्लुक लेकर ट्रेजेडी से भी है, भले राम के कत्ल से और अजय सिंह से। और हो सकता है कि केदार की मौत से भी हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये पुलिस जो शराब का मामला दबाना चाहती है ना, हो सकता है कि इसके पीछे भी अजय सिंह का ही हाथ हो। अरे तुमने सुना भी जो मैंने कहा? सुन लिया तो Have a drink. No, thank you. और अब तुम भी एक बात सुन लो, हर तलाश की एक हद होती है और वह हद नाम की चीज तुमने सीखी नहीं है। 150 साल से मैं यही करता आया हूं, तस्वीरें खींचता हूं और तुम भी यही करते रहे हो, एक से एक धुआंधार हेडलाइंस निकालते हो। क्या हुआ उसे? कौन सा इनकलाब आया इस मुल्क में? तो फिर क्या करूं, लिखना छोड़ दूं? नहीं, लिखो, खूब लिखो, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम और मैं दोनों लोगों को सिर्फ एंटरटेन करते हैं। वो जो स्ट्रिप्टीज डांसर थी ना, वो अपने को नंगा करके दूसरों का दिल बहलाती है, लेकिन हम लोग दूसरों को नंगा करके अपना और दुनिया का दिल बहलाते हैं। मैं किसी का दिल नहीं बहलाता, मैं लिखता हूं सिर्फ इसलिए कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है और उन तक सच्चाई को पहुंचाना मेरा फर्ज है। तुम्हारी मुश्किल पता है क्या है? तुम लोग एडिटोरियल में छींकते हो और चाहते हो कि सरकार को जुकाम हो जाए। अनवर कुछ ज्यादा ही कह गया, हम जो लिखते हैं उसका असर ना हो तो लिखना छोड़ दें ये जरूरी तो नहीं। हम आईना हैं जो हमारे सामने घटता है ईमानदारी से दिखाते रहते हैं। हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो इससे पहले भी इतिहास में हुआ है। हुक्मरान बहुत सी ताकत अपनी मुट्ठियों में जमा करने के लिए बहुत से लोगों को कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं और कहीं किसी के सीने पर अपने पैरों का निशान तक नहीं छोड़ते, लेकिन अजय सिंह ज्यादा ही बेसब्र है, जगह जगह अपने पैरों के सबूत छोड़ता जा रहा है। गाजीपुर के दंगे, उन दंगों में 45 आदमियों का कत्ल, गाजियाबाद की नाजायज शराब और उस शराब के पीछे 50 आदमियों की मौत, अजय सिंह और त्रिवेदी की राजनीतिक जंग और इन सब के पीछे पड़ी हुई एक खामोश लाश भले राम की, सब जगह उसी की छाप नजर आती है, अजय सिंह की। अच्छा एक बात बताइए जी, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? जी मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं, जब एक मामूली गुंडा बयान देता है मेरे खिलाफ तो फ्रंट पेज पर लंबी चौड़ी हेडलाइन देकर छापते हैं आप, और जब वो बयान वापस लेता है तब वो खबर छपती है चौथे पेज पर, इतनी सी।
उस मामूली गुंडे को तो आप जानते होंगे। आपकी मेहरबानी से, अब उसे कौन नहीं जानता। लेकिन आप तो उसे पहले से ही जानते थे ना, वरना भलेराम केस में वो आप ही का नाम क्यों लेता। मिस्टर विकास पांडे, मैं पॉलिटिशियन हूं, अगर 10 लाख लोग मेरे साथ हैं तो 10,000 दुश्मन भी हो सकते हैं। झूठा बयान बनवाया जा सकता है, पैसा खिलाया जा सकता है, वैसे मेरे खिलाफ लिखवाया भी जा सकता है। गाजीपुर में एक खैराती ट्रस्ट खुलवाया है आपने, शुगर मिल्स वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके प्रेसिडेंट भी आप ही हैं। जी हाँ, कोई एतराज है आपको। जी नहीं, उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी भलेराम भी था। और क्या यह सही नहीं कि भलेराम के हट जाने से आपका पलड़ा त्रिवेदी के खिलाफ और भी भारी हो गया। जानते हो तुम, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने फिरते हो, क्या क्या मालूम है तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में। अगर भले राम 48 घंटे और बच गया होता तो त्रिवेदी की सरकार साफ हो गई होती। भले राम को तो मैंने खरीद लिया था और उसके साथ 15 MLA भी चले आए थे। उस रात आप भले राम से गाजीपुर के सर्किट हाउस में मिले थे। हाँ मिला था, इसीलिए गया था। तो फिर सर्किट हाउस के रजिस्टर से उस दिन का पन्ना क्यों गायब? ये तुमसे किसने कहा? त्रिवेदी ने? आर यू ऑन द पेरोल ऑफ त्रिवेदी? मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। और तुम कर लो जो करना है तुम्हें। मैं तुम्हें भी जानता हूं और तुम्हारे उस सेठ को भी और तुम्हारे न्यू दिल्ली टाइम्स को भी। और अगर त्रिवेदी ये समझता है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है तो वो भी करके देख ले। अजय सिंह से मुलाकात कैसी रही? धमकी दे रहा था। किसको? मुझे, सेठ जी को और न्यू दिल्ली टाइम्स को भी। और त्रिवेदी को नहीं? अरे त्रिवेदी के पीछे तो पहले से ही हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जब तक वो त्रिवेदी गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करेगा उसे चैन नहीं आएगा। कुछ भी कहो, बहुत दम है शादी में। रमेलो, डू यू थिंक वो सेठ जी पर दबाव डाल सकता है? वो जानता नहीं जगन्नाथ पोदार किस मिट्टी के बने हुए हैं। 15 साल पहले की बात है, मैं चीफ सेक्रेटरी था यहीं दिल्ली में। कुछ पॉलिटिशियंस ने वर्कर्स को भड़का दिया, न्यू दिल्ली टाइम्स में स्ट्राइक करवा दी थी। आई स्टिल रिमेम्बर, जगन्नाथ पोदार मेरे दफ्तर में आए बहुत गुस्से में। He thumped the table and said, अपने नेताओं से कह दो बिजली काटे, पानी रोके या न्यूज़प्रिंट बंद करे, लेकिन ये पेपर बंद नहीं होगा। ड्यूरिंग दीज 15 years विकास, मैंने इस आदमी को किसी भी धमकी से डरते नहीं देखा। ये हवाना सिगार्स कहां से आते हैं आपके पास? स्ट्रेट फ्रॉम हवाना। अच्छा, जब मैं क्यूबा में एम्बेसडर था उस वक्त के कुछ दोस्त अब भी मेहरबान है, भेज देते हैं कभी कभी। तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, क्या यह नहीं हो सकता कि अजय सिंह ने ही भले राम को मरवा दिया? तुम अजय सिंह के पीछे क्यों पड़ गए हो? त्रिवेदी भी तो करवा सकता है। लुक विकास, त्रिवेदी हो या अजय सिंह, दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, त्रिवेदी और से करवाएगा और अजय सिंह जरूरत पड़े तो खुद भी खून कर सकता है। विकास, तुम एक बात लेकर ऐसे पीछे पड़ जाते हो, पता नहीं किस हद तक जाओगे। सिर्फ सच की हद तक। सच? सच तो वो है जो कोई ना कोई कहीं ना कहीं छुपाए रखना चाहता है, और वही असली खबर भी है। बाकी तो सब एडवर्टाइजमेंट है। ओह, आज तो वाकई ओवर ईटिंग हो गई, फाइन में सब गड़बड़ कर दी। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए,
खाते वक्त तो जरा सा भी नहीं सोचते। अरे बस एक गेम स्क्वॉश खेलेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या भाई? नहीं नहीं वो सब हो चुका है भाई, दैट आई विल टेक केयर ऑफ, यू डोंट वरी। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑल राइट, आई गेट बैक टू यू लेटर ऑन, ओके बाय। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना, बाल बाल बचे। बाय द वे हाउ इज निशा? शी इज ओके नाउ, कुछ खराशें आई हैं, मेरी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। सो द न्यूज़मैन हैज बिकम द न्यूज़। I have a strong feeling ये सब अजय सिंह की कारस्तानी है। Now come on, don't jump to conclusions. तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट को कोई पॉलिटिशियन हाथ नहीं लगाएगा। वो जमाने गए शाह साहब, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि केदार की मौत हादसा नहीं था और ना ही मुझ पर होने वाला हमला बेमकसद था। देखो विकास, इवन इफ यू आर राइट, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि तुम अपना ख्याल रखो। अगर चाहो तो पुलिस कमिश्नर से बात करूं, यू कैन गिव यू पुलिस प्रोटेक्शन। एक्सक्यूज मी, शाह स्पीकिंग। कौन से अस्पताल में? ओ माय गॉड, जी को हार्ट अटैक हो गया है। इज इन होली फैमिली हॉस्पिटल, इंटेंसिव केयर यूनिट। पुलिस की तहकीकात का कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं, लेकिन कुछ पता चला किसने हमला किया था निशा और तुम पर? इस किस्म की इंक्वायरी में पुलिस का बस एक ही जवाब होता है, फिर हिस्ट्री ऑफ टाइम। गुंडा एलिमेंट इतना बढ़ गया है, हम क्या कर सकते हैं? दिन रात मेहनत करने के बाद भी कोई नहीं पकड़ा जाता। विकास त्रिवेदी ने तो कमाल कर दिया, अजय सिंह की हर चाल से अपने आप को बचाते हुए अभी तक गद्दी पर कायम है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अजय सिंह एक ऐसी तलवार बनकर त्रिवेदी की गर्दन पर लटक रहा है जिसे हटाने के लिए त्रिवेदी में गट्स नहीं है। एनीवे, हाउ इज योर स्टड फार्म? घोड़ों का समाचार क्या है? वक्त ही नहीं मिलता। जब से पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, प्रेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है। सेठ जी कब तक दफ्तर आ पाएंगे? दफ्तर आते तक तो देर लगेगी, दो हफ्ते हो गए घर आने की परमिशन नहीं मिली। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तुमसे सलाह लेनी है एक। विकास मैं एक नई मैगजीन शुरू करना चाहता हूं और पिताजी की बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि संडे और इंडिया टुडे की तरह एक सीरियस न्यूज मैगजीन निकाली जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा। और तुमसे बेहतर एडिटर हमें इस मैगजीन के लिए नहीं मिल सकेगा। पिताजी विल एग्री, आई एम श्योर। आर यू मेकिंग मी एन ऑफर? ऑफ कोर्स, तुम चाहो तो कल से ही काम शुरू कर दो। यू विल हैव अ फ्री हैंड टू बिल्ड अप द मैगजीन एज यू लाइक। तुम्हें पूरी आजादी है, चाहे जैसी शक्ल दो। न्यू दिल्ली टाइम्स का क्या होगा?
अच्छा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए मुश्किल बन गया हूं? मतलब Have I become too hot for New Delhi Times? Come on, वो भी तो तुम्हारा ही पेपर है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कह रहा हूँ साहब बहुत बिजी है, अभी नहीं मिल सकते। मियां कहा ना, हमारे गाजीपुर के हैं, जानते हैं हमका। लेकिन साहब मना किया है किसी को। अरे हटो मियां, हम काम से आए। अरे महकुमिया, आने दो भाई। अस्सलाम अलैकुम। आइए बैठिए, एक कप चाय ले आओ। जी सर। बैठिए बैठिए। आप दिल्ली में कैसे? ऑफिस में ले आए रहे। कोई खास बात? हलेराम की खबर लेके आए रहे। दिल्ली आवे से पहले हलेराम की बेवा से हम मिलने रहे। मालूम पड़ल कत्ल वाली रात हलेराम और अजय सिंह में खूब झगड़ा हुआ था सर्किट हाउस में। सारा काजीपुर में यही खबर है। अजय सिंह ने उनका खरीदे की बहुत कोशिश की। अजय सिंह तो कहता है उसने खरीद लिया था। बिक गए थे भले राम। अजय बिक कैसे जाते, उनके तो अपने कितने लोग मारे गए। कहां मारे गए? यही गाजियाबाद के शराब वाला मामला में हमारे भी कितने लोग रहे उसमें। बस यही बात पे अजय सिंह मरवा दिए भले राम। हम तो कहते हैं सर्किट हाउस के चौकीदार महादेव को गायब करवावे में भी उन्हीं का हाथ है। इतने सारे फूल तो शायद शादी पे भी नहीं आए होंगे जितने शादी की सालगिरह पर आ गए। सब दोस्तों ने भेजे हैं, जरा वो कांटा चम्मच देना। किसी को बुलाया तो नहीं? कह दिया हम बाहर जा रहे हैं। हाँ, वकील तो होते ही झूठे हैं। बीबी जी, अब मैं जाऊं? जा, कल जल्दी आ जाना। जी अच्छा। मोमबत्तियों की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही हो। रोमांटिक मूड में हो? शादीशुदा जिंदगी में यही तो मजा है। शादी जितनी पुरानी होती है रोमांस में उतना ही नया बनाता है। क्या हुआ सीता? हेलो हेलो हेलो, हेलो कौन है? हम कौन है ये भूल जाओ, तुम जरा अपने औकात में रहो, समझे? बास्टर्ड। कौन था? पता नहीं, somebody is trying to be smart। उसी के आदमी होंगे और क्या, जिसने किटी को बैठे बैठाए एक मुसीबत मोल ले ली है। क्या मुसीबत मोल ले ली? What have I done? तो और किसने किया है? खामखा दूसरों के झमेले में इंटरफियर करते हो। क्या इंटरफियर करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। अगर उनके अपने जमीर मैले तो मैं क्या करूं? तुमने
सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? किस किस को पकड़वाओगे तुम? किस किस को फांसी पर चढ़वाओगे? Don't you know? There is a limit to everything. कभी सोचा भी है? तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, कल छोटू को कुछ कर दिया तो? हाँ बोलो, अकेला रहता है हॉस्टल में, कुछ हो गया तो? किसी से नहीं। अरे मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था भाई। ओह थैंक यू अनवर, थैंक यू। अच्छा निशा को भी मेरी तरफ से बधाई दे देना। दे दूंगा। अच्छा गुड नाइट। या गुड नाइट अनवर। क्या हो गया विकास? पानी पियोगे? विकास सब ठीक हो जाएगा। विकास विकास No, Vikas. I cannot accept this story as it stands. क्यों? Because it is too personal. That's why. सुनो विकास, तुम्हारी स्टोरी के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों को तुम उंगली रखकर मुजरिम ठहराते हो उनके खिलाफ तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने सिर्फ वाकयात बताए और वाकयात अपने आप कुछ सबूत पेश करते हैं। कानून का फैसला क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि लोग उस आदमी के बारे में अपना फैसला सुनाएं जिस आदमी को उन्होंने वोट देकर चुना है। विकास तुम क्यों अजय सिंह के पीछे पड़े हो? कितनी बार लिख चुके हो उसके बारे में? मिस्टर शाह, मैंने किसी आदमी के जाति मामलात के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मैं भलेराम मर्डर केस के बारे में लिख रहा हूं। वो कब हुआ, क्यों हुआ, किन हालात में हुआ,
मैं इस केस को एक मिसाल बनाना चाहता हूँ। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब जब हमारे मुल्क में दंगे फसाद होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उनके पीछे किसी ना किसी बड़ी शख्सियत या पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होता है। यस सर। गिव मी वन डे, मैं इसके कानूनी पहलू की जांच करा लूं। इस आर्टिकल को तो जल्द से जल्द छपना चाहिए। यू नो मिस्टर शाह, जस्ट वन डे विकास। ओके। या हाँ हाँ, दैट्स ऑल राइट। ओके, थैंक यू। No calls, please. I don't want to be disturbed. Vikas, Balaram murder par tumhari story dekhi. Very well written. Thank you. I'm sorry, but like Shah, I too have my reservations. Mujhe hairat hai ki ye mamla aap tak pahuncha kaise? Story ka chhapna na chhapna editor ke haath mein hota hai. Wo inkar kar sakte the. इस मामले में आपको कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। डोंट गेट वर्क्ड अप। शाह की राय है हमें इसके कानूनी पहलुओं की जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। अगर अजय सिंह और उसकी पार्टी ने उठकर केस कर दिया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। दिस आर्टिकल इज सो प्रोवोकेटिव, बिना चेंजेस हम इसे नहीं छाप सकते। यह छपेगा तो ऐसे ही छपेगा मिस्टर जुगल किशोर। मैं इसमें एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी बदलने को तैयार नहीं हूं। देखो विकास, ये तो तुम मानते हो कि इस आर्टिकल में तुमने साफ नाम लेकर कहा है कि अजय सिंह ही भलेराम के कत्ल का जिम्मेदार है, और यही नहीं, गाजियाबाद के लिकर ट्रेजेडी के पीछे भी उसी का हाथ है। अगर मैं छपने से पहले आपके साथ अपना आर्टिकल डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हूं। न्यू दिल्ली टाइम्स तो डिस्कस करने को तैयार हूं। तुम जानते हो आज से चार दिन पहले प्रेस में हड़ताल हो गई थी, 6 घंटे काम बंद रहा, और यह भी अच्छी तरह जानते हो यह हड़ताल करवाई गई थी धमकियों से दबकर। कोई भी अखबार नहीं चल सकता, और ऐसी गैर जिम्मेदारी से भी कोई अखबार नहीं चल सकता। आई हैव कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिस आफ्टरनून। वो जो फैसला करें। मैनेजमेंट को एडिटोरियल मैटर्स में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ एडिटर का फैसला सुनने के लिए तैयार हूं। अगर वो छापने से इनकार कर दे तो कोई दूसरा अखबार खुशी से छापेगा, और आप कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव एडिटर तलाश कर लीजिए। हेलो, नमस्कार डिमेलो जी। हाँ यस, थैंक यू। एक मिनट, डिमेलो जी का फोन है। हेलो, यस डिमेलो। क्यों विकास, बहुत नाराज हो? नहीं बिल्कुल नहीं, गुस्से की बात नहीं, उसूल की बात है। 10 साल में यह पहला मौका है कि मैनेजमेंट ने एडिटोरियल मैटर्स में दखल दिया। मेरा आर्टिकल अगर नहीं छपेगा तो मेरा इस्तीफा एडिटर की टेबल पर कल होगा। तुम सेठी से मिल तो लो, वो घर आ गए हैं। वैसे भी तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था। लेकिन मैं ऐसी हालत में सेठी से क्या कहूंगा? सेठी घर पर है, घर आ गए। अच्छा ठीक है तुम्हारा, आई थिंक ओवर दैट। ओके थैंक्स। ठीक कह रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तुम भी कमाल करती हो, अभी अभी हार्ट अटैक से उठे हैं। मैं और टेंशन नहीं देना चाहता उन्हें। डिमेलो जी सब कुछ जानते होंगे, तभी तो कह रहे हैं ना। इवन अदरवाइज सेठ जी से मिले बिना तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए।
At least that's what I think. स्टोरी के प्रॉब्लम्स को लेके आप परेशान मत होइए, आई विल हैंडल इट सब ठीक हो जाएगा। With your permission, Nisha, I would like to propose a toast. एक अच्छे दोस्त और वक्त के बेहतरीन जर्नलिस्ट की कामयाबी के लिए to Vikas Pandey. And to a wonderful husband. Thank you. Thank you. तुम्हारी मत की दाद देता हूँ मियाँ। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा आर्टिकल छप भी सकता है। अरे सेठ जी जैसे आदमी अभी भी बाकी हैं। मैं जरा किचन में तो जाकर देखूं सीता क्या खाना पका रही है। मेरे लिए खाना मत बनाना। क्यों? मुझे जाना है। कहाँ? डाकरू में बहुत काम पड़ा है, उसे पूरा करना है। शाम को तो आओगे ना? Sure. Oh good. See you then. Bye. अजय सिंह का कोई फोन वगैरह या कांटेक्ट हुआ था? अभी तक तो नहीं हुआ। हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय। ओके बाय। सी यू। निशा, सुबह जो मैं किताब पढ़ रहा था वो कहाँ है? बेडरूम में। नमस्कार। नमस्ते। अंदर आइए विकास। आइए आइए ना। बैठिए विकास। हाँ आया। बैठिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जी खामखा तकलीफ की। मुझे गरीब के पास तो कुछ भी नहीं, बस यही थोड़ी सी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। ये है श्रीवास्तव जी, इन्हीं की लड़की का केस था। अच्छा जी। नमस्कार। मिल गई आपकी बेटी? जी हाँ। अच्छी तो है। क्या अच्छी है, उस बिचारी ने जो कुछ भी भोगा है वो तो शायद उसकी किस्मत में ही था, लेकिन अगर आपकी दया ना होती तो शायद वो जिंदा भी ना बच पाती। मैं तो उसे साथ ही ला रहा था लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी। अच्छे भले आदमी की क्या हालत हो जाती है पागल खाने में, यह मैंने आज देखा है। एक चौकीदार है अपने गाजीपुर का, पहचाना ही नहीं जाता। गाजीपुर कौन सा चौकीदार? बहुत साल सर्किट हाउस में था वो। उसका नाम महादेव है? जी हाँ यही नाम है उसका। अंतरराष्ट्रीय वाहक सबसे ज्यादा सफर तय करता है और पेश करता है खूबियां एक से बढ़कर एक।
दीवाना बना दी, आकार जो मन लुभाए, रंग जिनमें आप डूब जाए, और क्वालिटी जो सदा साथ निभाए। जी हाँ, ये है वीआईपी, वीआईपी जाए जहां। सदियों से आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान इसका आधार रहा है। कील मुहासे और झाइयां दूर कर चेहरे पर एक नई आभा जगाती है वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम त्वचा की रक्षा करे अधिक क्रीम, रूप को संभारे निखारे हर दम, हल्दी और चंदन का अनोखा संगम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, वीको टर्मरिक। आपके उत्कृष्ट उत्पादनों को चाहिए सही खरीदार। उस खरीदार को चाहिए कि वो आपके उत्पादनों के बारे में जाने। आप दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है वीडियो कैसेट, और प्राइम टाइम आपको ले जाते हैं अपने खरीदारों तक वीडियो कैसेट के रास्ते। प्राइम टाइम मीडिया सर्विसेज द्वारा वीडियो पर विज्ञापन दीजिए। प्राइम टाइम मीडिया सर्विसेज, 157 प्रिंसेस स्ट्रीट, बंबई नंबर 2। जो भी देखे कोई कैसेट किसी टाइम, आपके लिए है वो प्राइम टाइम। हेलो डॉक्टर सेठ, मैं विकास पांडे बोल रहा हूँ। कहिए विकास जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, एक जरूरी काम था। कहिए ना। चादरा मेंटल हॉस्पिटल में किसी को जानते हैं आप? हाँ, वहाँ के सीएमओ डॉक्टर आचार्य मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आपको ऐसा कौन सा काम पड़ गया उस हॉस्पिटल में? मैं एक पेशेंट से मिलना चाहता हूँ, उसका नाम है महादेव, आज ही उसे मिलना चाहता हूँ। ये बात आप अपने तक ही रख लेगा। कैन यू अरेंज द मीटिंग? मेहनत करनी पड़ी आपके पेशेंट का पता लगाने। आई होप वो वही हो जिससे आप मिल रहे हैं। वैसे अस्पताल के कायदे कानून तो इजाजत नहीं देते इस बात की, फिर भी आइए। आप उससे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं।
महादेव काका, पहचाना नहीं बिठवा को? मैं मुकुल पांडे जी का बेटा हूं, विकास पांडे। विकास, हमका बचाए ले रे बिठवा, हमका बचाए ले, हम यहां से जिंदा नहीं जा पाएंगे। वो लोग मार डालेंगे हमका, ताई के फेंक देंगे हमारी लाश एक दिन। लेकिन तुम्हें यहाँ लाया कौन? हम नहीं पहचाना था उनका, पर इतना जरूर जाने थे वो सब किसके आदमी रहे। पर वो लोग हैं कौन? हम तो मार मार के पागल बनाए दिए, पागल बनाए दिए हमको मार मार के। हमका तो होश ही नहीं रहा जब हमें यहाँ लाए के पटक दिए। हम राम कसम खाए के कहते हैं बिटुआ, हम पागल ना है बिटुआ। परी लोग जरूर हमका पागल बनाए दिए हैं, जरूर पागल बनाए दिए हैं हमका। वो लोग किसके आदमी थे? उसी के आदमी रहे। किसके? त्रिवेदी के। अरे हम तो उनका देवता मानत रहे, हमार बचवा के सरकारी ड्राइवर बनाए दिए रहे। हमका का पता रहा कि खून ही निकलेगा, हमार बचवा के हाकन खून करवाए दिया पले राम का। तुम्हें ये सब मालूम कैसे हुआ? सब अपने कानन से सुने रहे, ना सुने होते तो हमारी दशा काहे को होती। पत्री को कोई कह रहा था और जाते जाते उसके हाथ में तमंचा भी दे गए। हम बचवा को बहुत समझाया बचवा। लेकिन भले राम तो अजय सिंह से मिलने सर्किट हाउस गया था ना? मालूम है, सब मालूम है हमका। बहुत बारिश हो रही थी उस रात, तब भले राम आए रहे इकबाल के साथ सर्किट हाउस में। अजय सिंह तो पहले से वहां कमरे में बैठे थे। मेरे 50 आदमी मारे गए गाजियाबाद में आप ही की वजह से। अरे लोग तो मरते ही रहते हैं, तुम काम की बात करो। क्या थोड़ी देर बाद नहीं ला सकते थे? ये लाओ। तीसरी जीप किसकी है? हमार बिटुआ का है हुजूर, मिलने को आवा है। और सुनो, दरवाजा खटखटा के आया करो। जी हुजूर। महादेव, जी हुजूर। पानी और गिलास लाओ। अभी लाया हुजूर। इकबाल मियां, साहब लोग कब जाने वाले हैं? अब कहां मालूम। थोड़ी देर के बाद बद्री भी चला गया, बस हम तो टूट गए बिटुआ। हमका मालूम रहा
कि आज रात बद्री भले राम का खून कर देगा। लेकिन भले राम तो त्रिवेदी का आदमी था। पैसा देखकर किसका धर्म ईमान नहीं बिगड़ जाए है बिटुआ। उस रात हम खुद अपनी आंखों से देखा था भले राम को बिकते, और हमारा बिटुआ बद्री हम समझे हम ही को मिलने आया है, पर वो तो त्रिवेदी की जासूसी करे आया रहा। ये आज की न्यूज देखी आपने, अजय सिंह भले राम के खून का जिम्मेदार। बड़ी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं हम, ये नाजायज फायदा उठाते हैं। अजय सिंह जी, परिवार के झगड़े को लेकर आप बाहर जाएंगे तो यही होगा, और फिर प्रजातंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता। सर, राजभवन से फोन आया है, सब तैयारी हो चुकी। वक्त तो हो गया, आप चलिए मैं आता हूं। सर, वो सर्किट हाउस का जो चौकीदार था ना पागल खाने में, उससे मिलने कोई जर्नलिस्ट आया था। कौन सा सर्किट हाउस, कौन सा चौकीदार? ये छोटी छोटी बातें हम तक क्यों पहुंचाते हैं? I have been used अनबर, जानबूझकर मुझे और मेरे अखबार को इस दलदल में फंसाया गया। अजय सिंह अपनी हद से ज्यादा फैलता जा रहा था और त्रिवेदी को उससे खतरा होने लगा था। यही वजह है कि अजय सिंह पर दबाव डालने के लिए त्रिवेदी ने बड़ी कन्वीनियंटली न्यू दिल्ली टाइम्स और विकास पांडे को इस्तेमाल कर लिया। But what I don't understand is, कि अजय सिंह को क्या जरूरत थी तुम्हारे पीछे गुंडे भिजवाने की? वो त्रिवेदी के भेजे हुए भी तो हो सकते थे, और जो फोन पे धमकियां आया करती थी वो भी त्रिवेदी करवा सकता था। अनवर ठीक कहते हो, मैं कुमिया गाजीपुर से मुझसे मिलने क्यों आया था? वो त्रिवेदी का आदमी था, त्रिवेदी ने उसे भिजवा होगा। मगर न्यूज सुनते हेलो विकास हियर, यस डॉक्टर सेठ। क्या? आर यू श्योर? खुदकुशी पोस्टमार्टम हो गया? आई सी, थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? डॉक्टर सेठ का। पागल खाने में चौकीदार को मार दिया गया। शिट। कहते हैं खुदकुशी की है। मुख्यमंत्री श्री डी एन त्रिवेदी की कैबिनेट में श्री अजय सिंह और श्री सुरेंद्र नारायण माथुर शामिल कर दिए गए हैं। श्री अजय सिंह ने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। श्री अजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। ये अफवाह गलत है कि हमारी पार्टी में किसी किस्म का मतभेद। हम सबको हमारे मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। मैंने उनके हाथ मजबूत करने के लिए ही मंत्रिमंडल में इस पद को स्वीकार किया है, और मुझे यकीन है कि त्रिवेदी जी की लीडरशिप में हम सब इस देश को तेजी से प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी में पानी चढ़ रहा है। पिपरा से पुश्ते में दरार के कारण 53 गांव पानी से घिर गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सहायता सामग्री पहुंचाई जा रही है। महानंदा नदी में पानी कम होने से कटिहार और साहेबगंज जिलों में स्थिति में आज कुछ सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश में अधिकांश प्रमुख नदियों में पानी घटना या स्थिर रहना जारी रहा। तुम अकेले क्या कर सकते हो? नरोरा और फतेहगढ़ में गंगा में पानी कहां तक लड़ोगे? शेष स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा पुराना मानो पानी कम हो गया। तो एक बात कह दूं, बहराइच जिले में घाघरा सोच के देखो, भले राम का खून अजय सिंह ने नहीं त्रिवेदी ने करवाया है तो कहां फर्क पड़ जाएगा?
ये दोनों एक ही सिस्टम के दो चेहरे हैं। मेरा लिखना कोई कानूनी दलील नहीं है। राजनीति जैसे उलझे हुए ताने बाने से कहानी का एक सिरा निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन सिरों को ढूंढना या ढूंढते रहना बहैसियत जर्नलिस्ट मैं अपना फर्ज समझता हूं। इस कहानी के तमाम नकूश जो मैंने जमा किए हैं, अगर इन्हें जोड़ूं तो जुर्म और सियासत का एक मिला जुला चेहरा बनता है। जब तारीख लिखी जाएगी तो भले राम, अजय सिंह और त्रिवेदी का जिक्र शायद किसी भी हाशिए में ना हो, लेकिन उनकी दी हुई सियासी वरासत तारीख को और ही मोड़ दे चुकी होगी, और जब तक आवाम को खबर हो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यकीन नहीं आता कि ये वही देश है जहां 50 साल पहले लीडर और आवाम एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। पता नहीं कब कहां ये तारीख आवाम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई।